सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन. एट पर्सन फ्रॉम ए टू एच सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर सच दैट सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट डायगोनली अपोजिट टू डी. ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, सर्कुलर टेबल पे एट पर्सन बैठे हैं फ्रॉम ए टू जेड, तो हम एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे लाइक दिस. एट पर्सन बैठे हैं वन, और उनका फेस है सेंटर की ओर, मतलब इधर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एक एट यहाँ हो जाएगा. ओके सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में सी है, ई यहाँ प्लेस कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड यहाँ सी हो जाएगा, लेफ्ट राइट. ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुड सिट्स डायगोनली अपोजिट टू डी, अभी वी डोंट नो अबाउट दैट. एफ सिट्स अपोजिट द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, नीदर एफ और जी इज एडजेसेंट टू सी, सी के आस पास में न यहाँ यहाँ एफ और जी नहीं प्लेस होंगे, तो हम एफ और जी को यहाँ प्लेस कर देते हैं और जी. एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में एफ है, अगर हम बी यहाँ रखते हैं सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, फर्स्ट सेकेंड यहाँ एच हो जाएगा. अब ये दो बचा हुआ है, अब बाकी है हमारा ए बाकी है और ए इज थर्ड टू राइट ऑफ वन हु इज डायगोनली अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट में जो होगा, अगर हम डी यहाँ रहते तो उसके अपोजिट में एच है. ए इज थर्ड टू द वन हु इज डायगोनली अपोजिट टू डी, इसके थर्ड में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हमारा ए आ जाएगा. ये आंसर.